मुझे अपने बचपन के कुछ किस्से सुनाओ ना। तुम्हें देख के लगता है कि तुमने खूब गिल्ली डंडा खेला होगा। मैं सिर्फ गोल्फ जैसे हाई क्लास स्पोर्ट्स खेलती थी। पर शक्ल से कबड्डी प्लेयर लगती हो। हाई लेवल बातें तुम नहीं समझोगे। ड्राइव करो। तुम पेट से हो क्या? What do you mean? मेरी शादी नहीं हुई अब तक। अब वो लगेज में बहुत सारे डायपर है ना, इसलिए पूछा। वो मेरे भाई के बच्चों के लिए है, हमारी जॉइंट फैमिली है। बुआ ऑन ड्यूटी? और कुछ बताओ ना ब्यूटी। मॉम डैड ने मेरे लिए एक रिश्ता ढूंढा है। वाओ, शादी करने जा रही हूँ। कॉन्ग्रेट्स। अपनी शादी का फालूदा इस नाचिस को भी पिलाना। मेरी शादी के बाद से ये तो बहुत खुश हो गया। ये तो मैं उठा लेता हूँ। नो थैंक्स, मैं अपना लगेज खुद मैनेज कर सकती हूँ। हेलो, इस तरह घूरने की कोई जरूरत नहीं है। हर बात में डबल मीनिंग मत निकालो। मैं इस लगेज की बात कर रही थी। पासपोर्ट प्लीज। व्हाट्स योर नेम? नेम प्लीज। पारुपली राजा वेंकट विजय सत्य दुर्गा कामेश्वरी विजय लक्ष्मी कामिनी संध्या कुमारी। अरे बाप रे, मेरा मतलब है अगर नाम का ये साइज है तो सरनेम का क्या साइज होगा? हंसने की जरूरत नहीं है, ये नाम मेरी दादी ने दिया है, मुझे गुस्सा आ जाएगा। थैंक यू। यू वेलकम। पासपोर्ट प्लीज। ये लीजिए। कितनी मतलब ही हो, एयरपोर्ट तक तुम्हें लिफ्ट दी, कॉफी नहीं पिलाओगी? नो थैंक यू। मैं जानता था तुम जेब से कड़की हो। एक मिनट रुको, मैं दो कप लेकर आता हूँ। हाँ रवि, मैंने अपना गेम शुरू कर दिया है। देखने लायक हालत हो गई है बेचारे की। मैं लगेज उठा लेता हूँ, लाइन में लग जाता हूँ। तुम कॉफी पीना पसंद करोगी या चाय लेकर आऊँ? एकदम दीवाना बन गया है मेरा। मैंने पहले हैदराबाद कहा था, लेकिन अब सोच रही हूँ कि उससे पहले दुबई में ही उसे अपना गुलाम बना लूं। अच्छा, तुम्हारे जीजू आ रहे हैं, बाद में बात करते हैं। बाय। ये लो कॉफी, एक्स्ट्रा शुगर है। जब रवि ने मुझे लिफ्ट देने के लिए रिक्वेस्ट किया तो इतना भाव क्यों खा रहे थे? हाँ, मैं ऐसी वैसी हूँ क्या? नॉट एट ऑल, तुम तो बहुत ही स्पेशल इंसान हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें किस तरह सॉरी कहूँ? कोई मुझे अवॉइड करे या इग्नोर करे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। ओ, किसी सुंदर लड़की का दिल दुखाने का पाप किया है मैंने। This is for you. डिजाइनर शॉप में लटक रही थी, खूबसूरत हाथ पर जब ये सजेगी तो और सुंदर लगेगी। कुछ खास चीजें सिर्फ खास लोगों के लिए बनती हैं। प्लीज देखो, अगर तुम मना करोगी तो मैं हर्ट हो जाऊंगा। हम लेट हो रहे हैं, कॉफी पूरी करो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ओके, संध्या, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हे, थैंक्स फॉर द गिफ्ट, ये वाकई बहुत अच्छी है। तुम भी हो। ये बुक में मुझसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या है? Hey, you know something? कुछ लोगों के साथ ट्रैवल करना वाकई बहुत बोरिंग होता है। लगता है कि कब पहुंचेंगे, कब ये सफर खत्म होगा। लेकिन कुछ लोगों के साथ बहुत मजा आता है, हैपनिंग होता है। लगता है कि काश सफर कुछ और देर तक चले। मेरे साथ तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या कहता है? अफसोस हो रहा है कि आज निकले ही क्यों घर से। अगर कल निकल जाती तो आज पहुंच गई होती। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। दिस इज माय सीट। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? तो मैं क्या खड़े खड़े इंडिया जाऊंगा, पायलट को हटा कर बैठ जाऊँ? पंचेज अच्छे लगे, मैं टीवी पे आते जाते रहता हूँ। भैया प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट करो प्लीज। देखो मोहतरमा, ऊपर वाले ने आपको ब्यूटीफुल बॉडी दी है, मुझे भी एंटीक बॉडी दी है। ना आप मेरी बॉडी ले सकती हैं, ना मैं आपकी, इसलिए यू सिट देयर, आई विल सिट हियर। ये सीट सीट खेलना बंद कीजिए, मेरी सीट मुझे वापस दीजिए। अभी डेढ़ फुटिया बैठी बात ये पेन के फ्लोर बढ़ाती है। नाटी गर्ल।
सीट सीट पे लिखा है बैठने वाले का नाम। कॉमेडी पंच? कॉमेडी नहीं हीरो, ये तो इमोशनल लाइन थी। मेरा नाम है प्लैटिनम कुमार। ऐसा अटपटा नाम क्यों? इंडस्ट्री के सारे कुमार खत्म हो गए थे। कोई अवार्ड मिला? इंडस्ट्री में अवार्ड मिलते नहीं, खरीदे जाते हैं बेटा। मैंने भी एक भाड़े पे लिया है। तुम आवाज अच्छी बदलते हो, डबिंग क्यों नहीं करते? ये मेरे अंदर की आवाज है बेटा। अब तो बांसुरी बजाए नहीं बजती। आजकल की लड़कियाँ अपने आप को टैलेंटेड समझती है, लेकिन हम सब परख सकते हैं। आके हिल हिल हिला के, होंठ लप लगा के, कंधे मम मम मटका के, तुम जैसे भोले भाली और मुझ जैसे सीधे साधे आदमी को फंसा सकते हैं। अंदर कोई और है क्या? नहीं 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 हीरो, ये तो मेरे अंदर का टैलेंट है। क्या फेंक रहा है? लड़कियाँ पसंद नहीं है? है तुम्हारी अब तक शादी नहीं हुई? अभी उम्र ही क्या है, लगता है अब तक किसी हॉट लड़की को देखा नहीं है। तुम्हें मुझ जैसी हॉट लड़की मिली ही नहीं होगी। मुझे पता है, मुझे देखकर तुम्हें कुछ कुछ हो रहा है ना। तेरे लिए इतना ही काफी है जोकर। अब पहले से आराम है? थोड़े से, थोड़ा ज्यादा। ये प्लैटिनम कुमार कहाँ है? प्लैटिनम कुमार पंक्चर हो गया है। सचमुच? लगता है इसके अरमान जगाने पड़ेंगे। कार्तिक, फ्लाइट है, नाइट है, दिल में कोई इच्छा हो रही है? दाल खिचड़ी खाकर सोने का दिल कर रहा है, और तुम्हारा? खंबा पीकर तल्ली होने का मन हो रहा है। शक्ल से लगता नहीं पीती हो। Excuse me. Yes, ma'am. Two pegs. वोडका, जिन, रम, विस्की, मिक्स कर दो। मैं कॉकटेल नहीं पीता। तुम्हारे लिए नहीं है, दोनों मेरे लिए है। इतना क्यों? इतना पिए बिना मुझे नींद नहीं आती। देखो, लीवर खराब हो जाएगा, और वैसे भी किसी भी पति को बेवड़ी पत्नी अच्छी नहीं लगती। तुम्हें ऐसा लगता? ठीक है, तो मैं नहीं पीऊंगी। कैंसिल कर। संध्या, संध्या, मेरी वजह से तुम अपनी आदतें मत छोड़ो। तुम्हारी वजह से नहीं छोड़ रही, ये फैसला तो मेरा अपना है। मैं आज और अभी से ड्रिंक्स छोड़ रही हूँ। मूव। ओके मैम। हैप्पी? ये क्या, कम से कम गुड गर्ल तो बोलो। किस मिट्टी का बना है? थैंक यू। वेज और नॉन वेज सर? संध्या, संध्या, क्या है? खाने में कुछ लोगी? नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। वन वेज प्लीज। थैंक्स। वेलकम सर। तुम आदमी ही हो ना, अगर लड़की कहे उसे भूख नहीं है मतलब वो नाराज है, तुम्हें मनाना नहीं आता? आता है, लेकिन तुमसे नाराज होने की वजह पूछूंगा तो तुम 100 बहाने बताओगी। अगर मनाने की कोशिश करूंगा तो क्या गारंटी तुम मान जाओगी? मतलब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एफर्ट। इससे अच्छा खाना खाकर सो जाता हूँ ताकि कल सुबह जल्दी उठूं। मजाक कर रहा था, मुंह खोलो। मुझे नहीं चाहिए। खोलो ना। तुम ही खाओ और सो जाओ। सॉरी कहूंगा तो मान जाओगी? अरे ये मैंने तुम्हारे लिए लिया है, आ करो। बिल्कुल छोटी बच्ची लग रही हो। लो। वेरी गुड। यू नो कार्तिक, मम्मी पापा के अलावा आज पहली बार किसी और ने खिलाया। थैंक यू। टेस्टी था। लाइन पर आ रहा है, लगता है ऐसे भी कुछ कुछ होने लगा है।
संध्या, बहुत गलत किया है तुमने। तुम ये बात कभी नहीं समझोगे। मैंने उसका हाथ पकड़ा, इससे फ्लाइट में एंट्री किसने दी? खुद से नफरत हो रही है मुझे। ऐसा लगता है इसे एसिड से नहा लूं। बुरा खोसक कहीं का। क्या है, क्या देख क्या रहा है? तो मैं मजाक मजाक में लड़की को छेड़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी इंसल्ट करना घिनौनी बात है। Excuse me. Yes, sir. क्या मुझे कोई और सीट मिल सकती है? Sir, it's not possible. तो एक काम कीजिए, मुझे लगेज में बिठा दीजिए। You naughty boy. बात ही नहीं कर रहा है। किसी भी तरह इसे वापस ट्रैक पर लाना होगा। कार्तिक, क्या हुआ? मैं कॉफी लेकर इस तरफ आ रही थी तो देखा एक 6 साल का बच्चा एस्केलेटर से गिरने ही वाला था। मैंने कूद कर उसे बचा लिया। वेरी ब्रेव गर्ल। थैंक यू। वॉशरूम में जाकर चेंज कर लो, जाओ। ओ मिस्टर खड़ूस, वॉशरूम में क्या करते हैं ये तो मुझे भी अच्छी तरह पता है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? एक लड़की, वो भी संध्या जैसी खूबसूरत, इतने बड़े शोरूम में कह रही है कि उसके कपड़े खराब हो गए हैं। तो यही तो चांस है। मुझे इम्प्रेस करो, मेरे लिए ड्रेस खरीदो, मेरा दिल जीतो, मेरी नजर में हीरो बनो। मैं काय को खर्चा करूं? नहीं खरीदोगे? ऐसे झाड़ पे लटके? ठीक है, तो मुझे ये ड्रेस नहीं चाहिए। संध्या संध्या संध्या, कितनी ओपन माइंडेड हो, किसी ने देखा तो नहीं? चलो चलो वहाँ कोपचे में। Your card, sir. ये तुम्हारे लिए। Thank you. And this is for you. मेरे लिए क्यों? किसी से जबरदस्ती कुछ लेना मेरी आदत नहीं है। Okay? तो रख लो। Looking good. Always.